हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आर्निकर्स किचन में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं सूजी की इडली और कोकोनट चटनी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं। रवा इडली बनाने के लिए मैंने लिया है ये रवा, ये आधा किलो रवा है, ये 100 ग्राम दही। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये चना दाल। चना दाल को मैंने गर्म पानी में सोख कर लिया था, ये 2 चम्मच चना दाल है। रिफाइंड ऑयल, ये 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल है। 1 पैकेट इनो। नमक स्वाद के अनुसार। ये मैंने पिंक सॉल्ट का यूज किया है, आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया है नारियल, ये 6-7 हरी मिर्ची, ये 1 छोटा अदरक और ये 7-8 कली लहसुन की। ये मूंगफली लिया है मैंने, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। और तड़के के लिए मैंने यूज किया है ये करी पत्ता, राई, सूखी लाल मिर्च 3। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग सूजी में हम लोग डालेंगे ये दही, ये पूरी दही मैं डाल दूंगी इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मिला लेंगे इसको, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और एक स्मूथ बैटर इसका तैयार करेंगे। देखिए फिट गया है। और अब हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। इस बैटर को बहुत देर तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको रात में सोक करना पड़ेगा और सुबह बनाएं, ये बहुत इंस्टेंट बन जाती है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ईजी है। चलिए चलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट पर रखेंगे, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। तब तक हम लोग चटनी तैयार करेंगे। मैं इडली ऐसे वाले सांचे में बनाती हूँ, इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसको मैं चाहे तो कुकर, चाहे तो ऐसे डेगची में भी बना सकती हूँ, पर मुझे ये इसमें बनाना बहुत इजी लगता है। और जब भी मैं इसमें बनाती हूँ मैं बहुत अच्छे से बना पाती हूँ, इसलिए मैं ऐसे डेगची में इसको बनाती हूँ। तो आज मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे ऐसे अलग से ऐसा सांचा खरीद सकते हैं और आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से इडली मेकर लें, आप ऐसे भी सांचे ले करके अपने डेगची में, अपने कुकर में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और मैं इसको ढक दूंगी। जब तक ये बॉईल होगा पानी, थोड़ा सा गर्म होगा। देखिए मैंने ये चटनी पीस ली है जो मैंने आपको दिखाया था, इंग्रेडिएंट उन सबको मैंने पीस के ऐसे ये चटनी तैयार कर ली है। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। जब तक पानी हो रहा है तब तक इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। अब जब मैं इसको सांचे में डालने जा रही हूँ तब मैं इसमें इनो डालूंगी। जैसे ही आप इसको बनाने जा रहे हो उसी टाइम पे आपको इनो डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से मिला दीजिए। पूरा 1 सैशे आप इसमें इनो डालिए और इसको इसमें पानी डाल के आप इसको मिला लीजिए और तुरंत आप उसको सांचे में डाल के और बनाने के लिए रख दीजिए। देखिए मैंने इनो डाला इसमें, अब तुरंत मैं इसमें पानी डालूंगी, अब तुरंत मैं मिलाऊंगी इसको, थोड़ा और पतला कर लेंगे। देखिए ये ऐसे फूल गया है, अब मैं इसको सांचे में डालूंगी। ये देखिए मैंने ऐसे तैयार कर लिया है सांचे में, अब मैं इसको इसमें रखूंगी। अब मैं इसको ढक दूंगी, एटलीस्ट 7-8 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे धीमी आंच पे पकने दूंगी। तब तक मैं तड़का तैयार करूंगी। ये मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, फ्लेम को लो पे करूंगी और फिर मैं डालूंगी इसमें राई। फिर साथ में साथ में इसमें डालूंगी करी पत्ता और लाल मिर्च।
गैस ऑफ करेंगे और चटनी में ये पूरा तड़का डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारा तड़का इसमें डाला है। अब ये चटनी बनके तैयार है, जब इडली हो जाएगी तब मैं आपके साथ इन दोनों को सर्व करूंगी। तो चलिए चलते हैं और चेक करके देखते हैं कि इडली रेडी हुई है कि नहीं हुई है। इडली रेडी हो गई है और मैंने बीच में इसको एक बार और देखा था, तब उस टाइम पे वो नहीं हुई थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए और रखा और अभी 10 मिनट हुआ है टोटल और ये इडली तैयार हो गई है। मैं ऑफ करूंगी और इसको ठंडा होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी और फिर मैं इसको सर्व करूंगी। तो मैं आपको सर्व करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इडली और चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, कितनी गर्मा गर्म है, अभी ये ठंडी भी नहीं हुई है। ऐसे ही आप भी बनाएं और सर्व करें अपने गेस्ट के साथ, अपने फैमिलीज के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।